रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर क्षेत्र का वार्षिक चुनाव रोडवेज कार्यालय पर संपन्न हुआ। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के चुनाव में क्षेत्रीय अध्यक्ष के पद पर महेश राय, क्षेत्रीय मंत्री कृष्णचंद श्रीवास्तव, प्रांतीय प्रतिनिधि प्रेम नारायण तिवारी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अभिनव श्रीवास्तव निर्विरोध चुने गए। इस मौके पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश राय ने कहा कि रोडवेज कर्मचारी संविदा कर्मियों के हित के लिए कार्य करेंगे। इस मौके पर रोडवेज कर्मचारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नव निर्वाचित क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश राय ने कहा, क्षेत्र के महेश कुमार राय, क्षेत्रीय अध्यक्ष रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर क्षेत्र। गोरखपुर क्षेत्र के यूनिट प्रतिनिधियों द्वारा मुझे क्षेत्रीय अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। सर्वथम मैं गोरखपुर क्षेत्र के सभी कर्मचारी प्रतिनिधि बधाई देता हूं। कर्मचारियों के लिए किस तरह की काम करेंगे? कर्मचारियों ने, जो पदाधिकारियों ने मुझे गोरखपुर क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी है, ये चुनौती वर्तमान समय में बहुत ही कठिन है, क्योंकि परिवहन निगम वर्तमान समय में संकट के दौर से गुजर रहा है। परिवहन निगम में जब तक हमारे पास नई बसें नहीं होंगी, सामान पार्ट्स पुर्जे नहीं होंगे, कर्मचारी नहीं होंगे, तो कर्मचारियों के लिए परिवहन निगम को मेहनत चाहे कितनी लग जाए खींचना बड़ा मुश्किल है। अब नई बसों को न मिलने के वजह से परिवहन निगम के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी प्रकार नियमित कर्मचारियों की संख्या घट गई है और संविदा कर्मचारी हैं, लंबे समय से वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके नियमितीकरण का रास्ता नहीं खोला गया, जिससे उन संविदा कर्मचारियों के मन में परिवहन निगम के प्रति एक संकट का विषय बन गया है। मैं इन चुनौती भरे कार्यों से, अपने नेतृत्व से भी, वर्तमान सरकार से भी यही अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप कर्मचारियों के बीच, जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना चाहते हैं, तो परिवहन निगम को अच्छी सुविधा देनी होगी। इसी से परिवहन निगम का भी भला होगा और उत्तर प्रदेश सरकार का भी भला होगा।